हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बिहार में जो है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है बिहार सिविल कोर्ट के नाम से, जो कि 4-5 वैकेंसी है। मैं आज के इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर और चपरासी आदि के लिए, सारे के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं आपको आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि क्या एलिजिबिलिटी है और कितना पैसा चार्जेस लगेंगे, ये फॉर्म कब से भराए जाएंगे, और जो है पूरा वैकेंसी का जो पोस्ट है वो 7692 पोस्ट है और ये फॉर्म कब से भराएगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। हालांकि 10th और ग्रेजुएशन पास पे जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फुली डिटेल में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब से फॉर्म भराएगा और क्या है डेट और कौन कौन से एज ग्रुप के ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शनि प्रजापति। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक हाथ जोड़कर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं कि आपको क्या नहीं पसंद आया है और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू। तो फाइनली हम लोग जो है सिविल कोर्ट के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आ गए हैं। सकते हैं क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर और पियन के लिए जो है वैकेंसी निकल के आई हुई, जिसमें क्लर्क की 3325 और स्टेनोग्राफर के लिए 1562, कोड रीडर के लिए 1132 और पियन के लिए 1673 है। ये सारी वैकेंसी निकली हुई है। यह जो है यहाँ पे हिंदी में है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो वो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। मगर देखिए, हम इसका मतलब इसका हुआ कि अगर आप एक पोस्ट के लिए ज़्यादा फॉर्म, एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग अलग फॉर्म भर कर फिलअप करना होगा। एक ही ये फॉर्म में चारों आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कि कलर का भर रहे हैं तो कलर का ही सिर्फ भरिएगा। देन अगर आप फिर चाहते हैं कि मैं स्टेनोग्राफर का भी भरना चाहता हूँ तो उसके लिए फिर से एक आपको अलग पेमेंट लगेगा और अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यह फॉर्म जो है 20 सितंबर से लेकर के, यह फॉर्म 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक रात्रि के 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यही भी यहाँ पे लिखा जाएगा, इसके बाद स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्लर्क के नोटिफिकेशन की तरफ से कि क्या क्लर्क में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें 3325 सीट खाली है और इसमें जो है फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है वो है यहाँ पे 20 सितंबर 2022 से लेकर के 20 अक्टूबर 2022 तक। इस डेट को आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन है जो हम सबसे पहले बताना भूल गए हैं, यह फॉर्म बिहार के पटना सिविल कोर्ट से निकला हुआ है। तो अब हम बात करते हैं यह कलर का फॉर्म के लिए जो है इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले वो सिटीजन जो है इंडिया का होना चाहिए, इंडिया से बाहर के लोग का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और उसके लिए जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। देन सी नंबर में है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और वो फिटिंग होना चाहिए और वो गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस या आरोप नहीं लगाना चाहिए। देन अब हम बात करते हैं ये एज के बारे में। एज जो है कम से कम 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 से 40 साल का होना चाहिए, एज पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो आपके डिस्प्ले पे सामने हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे फ़ी आप देख सकते हैं बीसी ईबीसी डब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये, एंड देन शेड्यूल एससी एसटी कास्ट के लिए एंड पीएच कैंडिडेट के लिए 400 रुपये यहाँ पे फ़ी रखे गए हैं। सो हम बात करते हैं अब स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर के लिए 1562 सीटें हैं और यहाँ पे भी उनका डेट सेम ही है, 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा। इसका क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो इंडिया के ही होने चाहिए एंड ग्रेजुएशन भी पास आउट होना चाहिए, और इसमें जो है एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट, स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें भी गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज के बारे में। तो कम से कम 21 साल चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल या फिर 42 साल चाहिए, एज पर कास्ट आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो सेम ही चार्जेस है, 800 रुपये एवं 400 रुपये एज पर कैटेगरी। और चलते हैं पियन की तरफ के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए जो है 1673 ही सीटें खाली है और यहाँ पे उनका जो है डेट आप देख सकते हैं, और उसके लिए भी डेट सेम ही डेट है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन के थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। इनमें क्वालिफिकेशन 10th पर, अगर आप 10th पास आउट हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, और बस इसमें कुछ नहीं चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए मेडिकली। और इसमें चूँकि 10th पास है तो इसमें आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के अनुसार आप जैसा कि डिस्प्ले में देख सकते हैं मैक्सिमम एज यहाँ पे ये होना चाहिए। फ़ी की बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा फ़ी कम है। इसमें जो है 600 रुपया है जेनरल बीसी ब्लिस के लिए, एंड देन 300 रुपया है ये एस सी एस टी एंड पी एच कैंडिडेट के लिए। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो है टोटल मार्क, क्वालिफाइंग मार्क्स दे सकते हैं आप, नोटिफिकेशन में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो एक और पोस्ट डिपोजिशन राइटर के जो है, इसमें आपको
ग्रेजुएशन ही पास मिलेंगे। इसमें आपका जो है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए एंड देन मेडिकली फिट होना चाहिए और कोई केस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एज देख सकते हैं मिनिमम 21 मैक्सिमम 42 एज पर रूल्स एंड देन कैटेगरी एंड फी इतना ही आपको लगेगा 800 एंड 400। यही था जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था। इनका फॉर्म जो है 20 सितंबर से भराना स्टार्ट हो जाएगा पटना सिविल कोर्ट के लिए और फॉर्म कैसे भराएगा इस पर मैं एक डेडिकेटेड सेपरेटेड वीडियो लेकर भी आऊँगा। सो कैसे लगा आज का ये वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन्हें भी शेयर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत हो। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए